मोदक। दोस्तों, गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जो कि ज़्यादातर 10 दिनों तक मनाया जाता है और 10 दिनों तक भगवान को अलग अलग तरह के भोग प्रसाद के रूप में लगाए जाते हैं, पर जो उनका फेवरेट भोग है वो होता है मोदक। मोदक किस तरह बनाया जाए, यही आज हम कोश किचन में सीखेंगे। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से बनाना सीखते हैं मोदक। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा तैयार करेंगे और चावल का आटा तैयार करने के लिए पैन में पानी को गर्म करेंगे। आधा लीटर चावल का आटा है तो उसके लिए हम आधा लीटर ही पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लगभग करीब 1 चम्मच घी और हम डालेंगे 2 चम्मच दूध। आँच को तेज़ करेंगे और एक बार फिर से खौला लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें नमक और चीनी डालना है। अब पानी हमारा उबल चुका है, इसमें और भी चीज़ें कुछ हैं वो डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम, समझिए 1/4 चम्मच नमक, और साथ ही डालेंगे करीब 1/2 चम्मच चीनी। एक बार इसको भी अच्छी तरह से खौला लेंगे और जब पानी हमारा अच्छी तरह से खौल जाएगा तो इसमें डालेंगे चावल का आटा। पानी अच्छी तरह से खौल चुका है, अब हम इसमें चावल का आटा डालना शुरू करेंगे। आँच बिल्कुल कम करेंगे और धीरे धीरे ये आटा पानी में डालेंगे और इसे मिलाएंगे। आँच को धीमा ही रखें। अब इस आटे को हम अच्छी तरह से धीमी आंच पर ही मिला लेंगे। आंच बिल्कुल धीमा रखना है आपको, इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखना, वरना ये आटा है जल जाएगा। अच्छी तरह से इसे 5-6 मिनट यूं ही मिलाएं और कोशिश करें कि अच्छी तरह से सारा मिल जाए आपस में। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप पानी बीच में मिला सकते हैं, पर गर्म करके ही मिलाएं। कोशिश करें कि आपको ज़्यादा पानी ना डालना हो, क्योंकि ये आटा बस हमें पकाना था और इसके बाद हम इसे एक बार फिर से गूंदना शुरू करेंगे। 5-6 मिनट हो चुके हैं, अब आँच करेंगे बंद और आटे के ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद हम एक बार फिर से इसे गूंथना शुरू करेंगे। अब जब तक ये आटा ठंडा हो रहा है, मोदक के अंदर जो भरावन होता है उसकी तैयारी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को नारियल और गुड़ काफ़ी पसंद था, इसीलिए मोदक में जो अभी हम अंदर भरावन भरेंगे उसमें नारियल का और गुड़ का ही इस्तेमाल करके हम मोदक बनाएंगे। तो हम यहाँ ले रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। पैन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे करीब 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा नारियल है, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया। ये फ्रेश नारियल है, सूखा नारियल आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पर फ्रेश नारियल इस्तेमाल किया है। और इसे भूनना शुरू करेंगे, आँच को कम रखेंगे। ये हम सबसे पहले इसलिए भून रहे हैं क्योंकि ये जो कच्चा नारियल होता है थोड़ा सा पानी छोड़ता है, इसीलिए इसे पहले ही भून लेंगे। नारियल डालने के बाद धीमी आंच पर हम कुछ देर के लिए इसे चला लेंगे ताकि जो इसका पानी होगा वो सूख जाए। और भूनने से फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी जो खुशबू होती है वो भी काफ़ी अच्छी सी हो जाती है। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पोस्ता दाना। अच्छे से मिला लेंगे। इसके साथ ही डालेंगे, ये 1 कप के करीब ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें हमने पिस्ता, बादाम, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सबको काट लिया है बारीक बारीक, इसको भी मिला लेंगे।
इसको हमें करीब 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे भूनना है ताकि एक जो क्रंची स्वाद होता है ड्राई फ्रूट्स का वो इन्हें मिल जाए। कुछ मिनट भूनने के बाद इससे एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो अब ऐसे में हम डालेंगे। खोआ हमने लिया है ताकि हमारा जो मोदक है उसके अंदर का जो भरावन है वो अच्छे से बाइंड हो सके। इसे हमने करीब 50 ग्राम लिया है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखें। इसके साथ ही हम डालेंगे गुड़। गुड़ हमने लिया है करीब 150 ग्राम। आप अगर बढ़ाना या घटाना चाहें तो कर सकते हैं। गुड़ को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। एक बार फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब खोया गुड़ आपस में अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसमें सबसे आखिर में डालेंगे 1 चम्मच जायफल और इलायची का पाउडर। डालने के बाद अच्छे से मिला लें और आंच को तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इसमें गुड़ डाल रखा है। अगर बहुत ज़्यादा पका देंगे तो जो मोदक है अंदर से बिल्कुल कड़े हो जाएंगे। तो बस इतना सा मिला के आप छोड़ दें और इसे ठंडा करने के लिए रख दें। और जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम चावल का जो आटा हमने तैयार किया था उसे गूंथना शुरू करते हैं। अब चावल का हमारा जो आटा था वो ठंडा हो चुका है। इसको अच्छी तरह से गूंथना शुरू करते हैं। एक परात में, बड़ी परात में डाल के इसे थोड़ा थोड़ा मारेंगे। अगर ये आटा गूंथते वक्त आपको थोड़ा पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप ले सकते हैं। और इस चीज़ का ख्याल भी करें कि जब आप ये आटा गूँधें तो ये आटा बिल्कुल ठंडा ना हो चुका हो, थोड़ा बहुत गर्म ज़रूर हो, क्योंकि ये चावल है। मोदक बनाने के लिए हम आटा गूँध चुके हैं और अब मोदक के लिए हम पानी गर्म करते हैं। यहाँ हमने इडली स्टैंड लिया है। अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप कोई भी गहरे बर्तन में जाली वाली जो एक प्लेट आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम लेंगे करीब 1.5 से 2 लीटर पानी, या जितनी आपको ज़रूरत हो उतना पानी लें। इसको गर्म करेंगे और तैयारी शुरू करेंगे मोदक को बनाने की। यहाँ पर हमने 3-4 पत्ते लिए हैं पान के। अगर आपको पान के पत्ते ना मिले तो आप केले के भी पत्ते ले सकते हैं। पान के पत्तों से होता यह है कि मोदक को एक अच्छी खुशबू मिल जाती है पान की। मोदक बनाने के लिए हम रोटी के लिए जितना बड़ा, पराठे बनाने के लिए जितना बड़ा बॉल लेते हैं उतना बड़ा बॉल ले लेंगे। और उसके बाद सेम पराठा जिस तरह बनाते हैं और बढ़ाते हैं बॉल को, उस तरह बढ़ाना शुरू करेंगे। चारों ओर ये एक समान हो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको मोदक को सही शेप नहीं देना आता, क्योंकि मोदक अगर फट जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। अब ये स्टफिंग बीच में हमने डाली और इसके बाद बीच में हाथ रखते हुए इन सब को हमें मिलाना है और बहुत आहिस्ता से इस तरह। ये आपकी शेप बन गई। अब एक चाकू की मदद से ये जो धारियां से आई हैं इन्हीं पर ऐसे डिज़ाइन बना दें। इसी तरह बाकी के सारे मोदक तैयार कर लें। अब हम इसको रखेंगे गर्म पानी के अंदर। पानी गर्म हो चुका है, आंच को करेंगे बिल्कुल कम। अभी मोदक तैयार हो चुके हैं स्टीम के लिए। इससे आहिस्ता से और उसके बाद मैंने ये केसर का पानी भिगो रखा था,
इसको थोड़ा थोड़ा और सभी मोदकों में लगा देंगे। उससे होता ये कि इसे एक कलर भी मिल जाएगा और साथ ही साथ मोदक थोड़े ऊपरी जो कवर है इसका वो नरम हो जाएगा। इसे अच्छे से लगा दें चारों ओर। तो अब स्टीम के लिए मोदक पूरी तरह से तैयार है। अब इसको 15 मिनट के लिए हम मीडियम हाई लो पर रखेंगे और पका लेंगे। तब तक हम ये जब तक स्टीम हो रहे हैं हम दूसरे मोदक तैयार कर लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट हमने मोदक को तेज़ आंच पर स्टीम दी थी और उसके बाद धीमी आंच पर 6-7 मिनट स्टीम देने के बाद हमने इसे बंद कर दिया था और अब 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। मोदक हो चुके हैं, अब इसको एक एक करके सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है गर्मा गर्म मोदक। ठंडा हो जाने पे इसे भगवान को भोग लगाएं या अपने मेहमानों को सर्व करें। उम्मीद करते हैं आज की यह आसान सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आपकी जो टेंशन थी कि मोदक कैसे बनते हैं वो टेंशन भी दूर हो गई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी चुनिंदा रेसिपी से जुड़ी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ हमें दीजिए आज के लिए इजाज़त।